مساء الخير، كيف حالكم؟ أنا أتمنى أنكم بخير وعافية وسعادة والسلامة. يا أيها المتعلمون الكرام، آج هم لوگ عربی میں سیکھنے جا رہے ہیں الحالة الإضافية، يعني پودیشی کیس انگلیس میں کہتے ہیں اسے. تو گائز، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولے، کیونکہ ہم पूरे लिस्ट और पूरे प्लेलिस्ट में अरबी के वीडियोस डाल रहे हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को 100 से जो 60 वीडियोस हम लोग अपलोड करने वाले हैं, जिसमें से 22 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और रोजाना वीडियो अरबी के अपलोड हो रहे हैं, तो अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं, जो आपको अरबिक में उसका इंग्लिश में मीनिंग बताया जा रहा है, उसका भी आपको उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश में लिख के दिया जा रहा है, हिंदी में समझाया जा रहा है, तो गाइस आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसमें अरबिक सीख सकते हैं। ये तो आपने अरबिक काफ़ी सीखी है, लेकिन हमारे यहाँ भी आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही अलग चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पोजेसिव केस हाला अल हाला अल इज़ाफ़िया, इसमें आपको दो चीज याद रखनी है क्या, एक है आपके पोजेशन, ठीक, एक है पोजेशन प्लस पोजेशन। अब मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। ये जो पोजीशन होता है इसे कहते हैं अरबिक में मोजाफ, क्या कहते हैं, मोजाफुन, 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 ओके, कपड़े मोजाफ। अब ये जो पोजीशन है इसे कहेंगे मोजाफुन इलै, मोजाफुन इलै, ओके। तो मोजाफुन इलै मोजाफुन इलै, ओके, तो मुजाफ इलैह आप पढ़े, ठीक है। तो पहला है पार्ट क्या, पोजेशन, पोजेशन ये है स्ट्रक्चर, ये कॉमन स्ट्रक्चर है। अब ये जो पोजेशन है आपके, पोजेशन का मतलब क्या होता है या मुजाफ का मतलब क्या होता है, मुजाफ का मतलब होता है कोई आपके बिलोंगिंग, कोई सामान है, कोई आपके ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब होगा कि आपसे संबंध कोई चीज या किसी की कोई चीज, ठीक है, किसी की कोई मिल्कियत, तो पोजेशन का मतलब क्या हो गया, मिल्कियत, ओके, ये आपने समझ लिया। और ये पोजेशन जो है, पोजेशन को क्या कहेंगे, या तो इसे आप कहेंगे डायरेक्टली ऑनर, ओके, ऑनर। ये मैंने सिंपल से वर्ड में आपको समझाने की कोशिश की है, ओके। तो ये जो पोजेशन होता है अरबिक में, इसे क्या होगा, इसे ज़म्मा भी आ सकता है, फतहा और कसरा, जम्मा फतह कसरा, तीनों में से कोई आ सकता है किस पे, पोजेशन पे, मुजाफ पे। अब तीनों हालात अलग अलग होंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अब इस पे क्या है, वली क्या है ना, कसरा आएगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आप एश्योर रहिए कि इसमें कसरा आने वाला है, ठीक। एक आध परसेंट कहीं इसके जो है इस्तेसना है, एक्सेप्शन है, तो वो पढ़ा दिया जाएगा आपको। ये हो गए कॉमन से स्ट्रक्चर। अब गाइस इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन जब करते हो तो इंग्लिश का देखो, ये अरबी के क्या है, अरबी के स्ट्रक्चर बन गए मुजाफ प्लस मुजाफुन इलैह, ये अरबी का स्ट्रक्चर, ये बदलेगा नहीं, ठीक। ये क्या है, अनचेंजेबल है, ये क्या है, अनचेंजेबल, ये नहीं बदलेगा, ये ऐसा ही रहेगा। अब इंग्लिश में क्या है ट्रांसलेशन, इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप करते हो तो ऑफ लगा के ट्रांसलेशन करते हो या एपोस्ट्रॉफी लगा के ट्रांसलेशन करते हो, ठीक। तो क्या होता है, जैसे मान लो मैं अगर यहां पे लिखूं किताबो हामिदिन, किताबो हामिदिन, तो किताबो क्या हो गए, किताब मुजाफ, ओके, और हामिदिन मुजाफ अलै, मुजाफ अलै, ओके। तो ये हो गया आपके क्या, पोजेशन, ठीक, पोजेशन, और ये हो गया आपके क्या, पोजेशन।
तो गाइस मैं ये अरबी के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया पोजिशन, ये हो गया पोजिशन। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो दो तरीका होता है ट्रांसलेशन करने का, या तो ऑफ लगा के या अपोस्ट्रॉफी लगा के। तो गाइस देखिए यहाँ पे जैसे हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे ऑफ लगा के, जब ऑफ लगा के ट्रांसलेशन करेंगे तो ऑफ से पहले क्या आ जाएगा, वैसे प्लस पोजिशन, पोजिशन प्लस ऑफ और उसके बाद क्या आएगा पोजिशन, ओके पोजिशन। ये हो गया स्ट्रक्चर जब ऑफ से ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो कहेंगे किताब हामिदी, तो क्या जाएगा द बुक ऑफ हामिद। अब गाइस आपको हामिद पे ना दा लगा सकते ना यहाँ पे अल लगा सकते, क्योंकि हामिद किसी पर्सन का नेम है उसलिए वहां पे अल आएगा नहीं, लेकिन कसरा लगेगा, ठीक। तो द बुक ऑफ हामिद क्या हो गया, द बुक ऑफ हामिद। अगर यहाँ पे मैं अपोस्ट्रॉफी लगा के करता तो क्या होता, सबसे पहले अपोस्ट्रॉफी से अपोस्ट्रॉफी के अगर आएगा तो क्या हो जाएगा पोजिशन पहले आएगा इंग्लिश में, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, ये पहला तरीका था ऑफ लगा के ट्रांसलेशन करने का, और दूसरा अपोस्ट्रॉफी लगा के। तो पहले पोजिशन आ जाएगा उसके बाद क्या आएगा पोजिशन आएगा इस केस में, ठीक। जैसे किताब हामिद क्या ट्रांसलेशन कर सकते हैं, हामिद्स, हामिद्स बुक, ये हो गया ट्रांसलेशन। समझ में आ गया आपको है? तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल से मुजाब, मुजाब अलैह के बारे में, पोजेसिव केस के बारे में। तो गाइस तब तक हमारे इस चैनल पे बने रहिए और हमारे जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है उनको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।